दोस्तों वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो हम बात करेंगे लाइट के बारे में। ये है 45 वाट का बल्ब और ये है हमारी एलईडी ट्यूब 24 वाट की, जैसा आप देख सकते हैं। और हम चेक करेंगे कि इनकी रोशनी क्या होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बिजनेस होता है हमारा, जो भी हम कोई भी सामान सेल कर रहे हैं, वो कोई भी स्टोर या कोई भी हमारी शॉप है, उसके अंदर लाइट का कितना हमारा इम्पोर्टेंस होता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। इससे आप अपनी सेल कैसे बढ़ा सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम होते हैं वहाँ पे लाइट पर इतना फोकस क्यों किया जाता है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज़ की जाती है बल्बों पर, लाइट पर, फोकस लाइट पर ऐसा क्यों किया जाता है, सबकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो, लेट्स स्टार्ट। जैसा आप देख सकते हैं, ये 45 वाट का बल्ब है जो मुझे मिला है 550 रुपये का। इसका जो रेट उसके भाई ने मुझे बताया था वो बताया था 650 रुपये। और आपके पहले मैं आपको इसका प्राइस दिखाना चाहता हूँ, जैसा आपको दिख रहा हो तो इस पर लिखा है 1250 रुपये। उसने मुझे बोला भाई 650 रुपये का ये बल्ब है, और फिर मैंने उससे मार्जिन किया और कम कराते हुए उसने मुझे 550 रुपये का ये बल्ब दिया है। अगर आप दिल्ली में कहीं भी कश्मीरी के चावड़ीजा या कहीं भी आसपास के मार्केट में जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा सेल्स होती है, वहाँ पे आपको ये बल्ब कम से कम 450 रुपये का मिल जाएगा। क्योंकि भाई मैं आपको चावड़ी ला गया था अपने मार्केट में, ऐसे ही मैंने पूछा कि मुझे चाहिए था उस टाइम, पर उस टाइम मैं खरीदने का मूड में नहीं था। पर मैंने पूछा भाई से कहना कि भाई इसका रेट क्या मिलेगा, तो उस भाई ने मुझे बताया था बल्ब का रेट, जो हमारा 50 वाट का बल्ब होता है उसका रेट 450 रुपये बताया था। मैंने बल्ब चेक नहीं करा, फिर मैं अपने घर आ गया किसी काम से, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से मार्केट से इस बल्ब को लिया है। और उसके बाद इसका जो रेट था मैंने आपको बताया और कितने का मैंने इसको लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बिजनेस होता है उसमें लाइट का फोकस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने बड़े बड़े मॉल शोरूम देख रखे हैं, वहाँ पर लाइटों का बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। क्योंकि जो माल दिखेगा तभी तो बिकेगा, आपने इस डायलॉग को सुना होगा, जो माल दिखता है तभी बिकता है। तो फोकस में जो साइनिंग होती है हर चीज़ की, हर जो पार्ट्स है, प्रोडक्ट है हमारा, जो भी कुछ हम सेल करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग होनी चाहिए। कस्टमर जो होता है उसको बहुत अच्छा साफ सुथरा दिखना चाहिए चीज़, तभी वो अट्रैक्ट होता है। इसलिए शोरूम पर, ब्यूटी पार्लर पर, और हमारे जो भी हम घर से एक्सेसरीज बेचते हैं मार्केट के अंदर, उन पर लाइटिंग को बहुत फोकस किया जाता है। बड़ी बड़ी जो गाड़ी कार्स कंपनी, सेल्स कंपनी होती हैं, उनके पार्ट सेल करने वाली कंपनी होती है, वो भी लाइट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि हमारी शॉप हो उसका शॉप का लुक बहुत ज़्यादा सुंदर और साफ देखने को मिले। तो ये बल्ब है, इसकी जो साइनिंग होती है बहुत ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिलेगी। मैं इसकी आपको टेक्निकल चीज़ आप दिखा देता हूँ और मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। इसके अंदर आउटपुट वोल्टेज है इसका 125 वोल्ट का है, और वोल्टेज रेंज इसकी 10 से 300 VAC है, और रेटेड फ्रिक्वेंसी 50 Hz हमारे घर में यूज की जाती है। और इसका वेट 332 ग्राम का है, आप जैसे देख रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें बल्ब में देखने को मिलती है, और ये बल्ब है जो वो मेड इन इंडिया, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है इस बल्ब को। और ये एसन कंपनी का बल्ब है, आप चाहे तो कोई सी कंपनी का बल्ब खरीद सकते हैं जो अच्छी कंपनी है। पर मैं कहूँगा जितने ज़्यादा वाट का बल्ब लेते हैं उतनी ज़्यादा उसकी रोशनी में फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। जितने ज़्यादा वाट के आप बल्ब लेंगे उसका प्राइस भी बढ़ेगा, उस हिसाब से उसकी रोशनी का भी आपको उसमें जो चांदनी होती है और भी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और ये हमारी ट्यूब है LED ट्यूब, जिसे हम कहते हैं LED ट्यूब। हमने बहुत टाइम पहले जब हमारे घर में आती थी ट्यूब, जिसमें हमें फट्टी भी चाहिए होती थी, इसमें चौक भी चाहिए होती थी, चौक के साथ उसमें हमें ट्यूब लगाने की जरूरत होती थी। बट इन ट्यूबों के अंदर हमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये सीधा ही हमें मार्केट में मिल जाती हैं, और उसको सीधे उसके तार को हमें कनेक्ट करना पड़ता है अपने होल्डर के थ्रू, और उसके बाद वहाँ पे फिट कर दो इस ट्यूब को, और ये बहुत ही शानदार चलती हैं। और ये हमारी 24 वाट की ट्यूब है, और इसका रेट मुझे मिला था 250 रुपये मार्केट में बताया था देने पर, उसमें से 10 रुपये ही ओनली कम करे उसने, और ये मुझे 240 रुपये की ट्यूब मिली है LED वाली। इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो दोनों चीज़ें मैंने अपने घर में फिट करवा लिया, इसका जो डब्बा है ऑलरेडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैंने घर में फिट कराया, तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ मैंने उसको कहाँ फिट कराया इन बल्बों को, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मुझे अपने घर में ये बल्ब लगवाने भी थे, किसी काम के वजह से मैं लगाया हूँ बल्ब, और इसलिए मैंने इसको अपने घर में फिट करवा लिया। उसके बाद जो इसकी लाइटिंग है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये इस वीडियो से मेरा ये मोटिव था कि आपको एक चीज़ को बताना कि जो मैं सोचता हूँ उस, और जो हकीकत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
आपको अपने बिजनेस के अंदर अपने शॉप में लाइटिंग पे बहुत फोकस करना है। अगर आप किसी भी फोटोशॉप की दुकान में जाओगे तो वो जब फोटो क्लिक करता है तो वहां पर भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लाइटिंग में उसको फोकस करना ताकि अच्छे से क्लिक हो, अच्छे से चाहे कोई भी टाइम हो किसी भी टाइम दिन में रात में कहीं भी तो फोटो की जो क्लिक होती है क्लैरिटी होती है वो अच्छी आती है हमारी लाइट की वजह से, इसलिए वो अपने लाइट पर बहुत अच्छा फोकस करता है। इसलिए आपको भी अगर आपका काम गाड़ी को रिपेयरिंग का है तो वहां पर भी लाइट फोकस करो, पर अगर आपका सेल्स का काम है कोई चीज बेच रहे हो मार्केट में तो आपको अपनी लाइट पर बहुत फोकस करना है। जब आप इसकी क्लैरिटी को समझाओगे ना तो आप बिजनेस में वहां पर इन्वेस्ट करोगे अपने बल्ब भी लगाओगे तो, पर आपकी जो उसकी क्लैरिटी को समझोगे ना तो जो कस्टमर है किस लिए अट्रैक्ट होंगे, नए नए कस्टमर आपकी दुकान पे क्यों आएंगे, उनका फोकस होता है अट्रैक्शन जो होता है, आपकी चीजें कितनी साफ सुथरी दिख रही है, आपकी जो लाइट का फोकस क्या है और आपकी इस दुकान के अंदर सामान कैसे रखा हुआ है, इन सब चीजों पर उनका ही फोकस होता है कि आप भी कभी किसी दुकान पे कुछ सामान या कुछ भी चीज जरूरत पड़ती होगी तो आप भी कभी किसी के पास मार्केट में जाते हो तो आपको भी जो चीजें अलग साफ सुथरी दिखती है, लाइटिंग का जो उसमें शो ऑफ होता है वो दिखावा होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है, तो आप सोचते हो कि इसकी दुकान से पहले एक बार ट्राई नहीं करना चाहिए, ट्राई करने के बाद वहाँ पे अट्रैक्शन आपका अच्छा रहता है तो आप उसी की दुकान से चीजें को खरीदने की कोशिश करते हो। और इन बल्बों को मैंने घर में लगा दिया तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि मैं ट्यूब कंप्लीट करके और जो बल्ब होता है 45 वाट का वो किस तरह से देखने को मिलता है, हमें कितना बड़ा होता है, एक्चुअली में इतने बड़े होते हैं इतना नोटिस में दिखा रखा है इतने इस डब्बे के साइज से यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा इस ट्यूब को और इस बल्ब को, ये जो हमारा बल्ब है ये है 45 वॉट का बल्ब, जैसे आप देख सकते हैं ये बल्ब मैंने खरीदा है 550 रुपये का, आप इसका साइज देख सकते हैं सब कुछ देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये बड़ा देखने को आपको मिल रहा है। इसकी फिटिंग मैंने यहाँ पर करवा रखी है इस बोर्ड के साथ, और जो मेरी ट्यूब है 24 वॉट की जो मैंने आपको दिखाई थी वो ये ट्यूब है जैसा आप देख रहे हैं LED वाली, और पहले जमाने में जो आती थी वो इस टाइप की आया करती थी, चौक और ट्यूब इस टाइप की लगती हैं तो ये आया करती थी जैसा आप देख रहे हैं, और इस तरह की जो चीज़ है इसकी लाइटिंग को भी आप देख सकते हैं। और जब मैं इस लाइट को जलाता हूँ तो आप यहाँ पर लाइट का फर्क देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लाइट का फर्क देखने मिलेगा, आपको कितनी चांदनी मिलेगी। इस बल्ब को मैं बंद कर दूँ तो आप देखना यहाँ पर एकदम अंधेरा आ जाएगा, तो इस तरह का फर्क आपको देखने को मिलेगा, इस तरह की लाइट का इसका जो फोकस है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपसे इससे इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज हमारे चैनल को करके सब्सक्राइब और रेड रंग के जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबा लें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें प्लीज, और थैंक यू गाइस।